हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे जो पोरबंदर रियासत के दीवान थे, बाद में राजकोट और वाकानेर के भी ये दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। इनका विवाह 1883 में 13 वर्ष की अल्पायु में ही कस्तूरबाई से हो गया था। कस्तूरबाई इनसे 1 वर्ष बड़ी थी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। लंदन में पढ़ाई करके वापस आए तो राजकोट और बम्बई में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। एक केस जो दादा अब्दुल्ला का व्यापार से संबंधित था, लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ये जब केस की पैरवी कर रहे थे, एक बार डबरन से प्रिटोरिया तक रेलवे में सफ़र करना था। प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी इन्हें ट्रेन से, प्रथम श्रेणी के बोगी से हटा दिया गया। जब ये नहीं माने तो इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तब इन्होंने प्रण लिया कि मैं यहाँ गोरे और कालों के मध्य, श्वेत अश्वेत के मध्य, चूँकि वहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण वहाँ अश्वेतों के प्रति अनेक प्रकार का गलत कानून थे, जिन कानूनों को गांधी जी ने अनुचित माना और उसको लड़ने के लिए कई साल तक वहाँ रुक के सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब था सत्य का आग्रह। महात्मा गांधी ने अपना सत्य का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से ही किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत आए, तब तक दक्षिण अफ्रीका में गोरे कालों के मध्य तमाम जो भेद था, भेदभाव था, वो समाप्त हो चुका था। गांधी जी का प्रयोग सत्य हो गया था कि सत्याग्रह से ही भी कार्य हो सकता है। गांधी जी यहाँ आने के बाद अपने गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल गोखले को बनाया और यहाँ 1-2 साल तक बहुत ही यहाँ की राजनीति को समझा कि भारत में भी अन्याय हो रहा है। उन्होंने पहला अपना आंदोलन भारत में चंपारण में प्रारंभ किया। चंपारण में किसानों के प्रति अन्याय हो रहा था। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जिसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता है। अपने खेत का 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने इस पद्धति को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किया और अंत में सरकार, अंग्रेज सरकार ने उनके इस मांग को मान लिया और गांधी जी को यहाँ पे अपने इस आंदोलन में, सत्याग्रह में पुनः विजय मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनको महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी का दूसरा जो आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। यहाँ प्लेग फैल गया था तो प्लेग के कारण मजदूरों को बोनस दिया जाता था, तो उसके बाद मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया, जिससे हुआ क्या कि मिल के जो मजदूर थे, गांधी जी से कहा कि बोनस हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, जिससे उनका गुजारा नहीं होगा। तो गांधी जी ने उनके लिए आकर आंदोलन किया और अंत में मिल मालिकों ने गांधी जी की बात को माना और बोनस देना जारी रखा। इसके बाद महात्मा गांधी ने अगला आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, जिसमें फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी सरकार किसानों से कर ले रही थी। इस कर को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को किया, अंत में सरकार ने इस कर को समाप्त किया। गांधी जी ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था कि जो यहाँ के मुस्लिम थे, उन्होंने अपना धर्मगुरु खलीफा, तुर्क के खलीफा को मानते थे। तुर्क के खलीफा सारे विश्व के मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ उनके खलीफा को हटा दिया। इस अनादर से भारत के सभी मुस्लिम ने खिलाफत आंदोलन की प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसी समय उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और दोनों आंदोलन साथ साथ चलते रहे। असहयोग आंदोलन में सरकारी उपाधि
का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी और सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करना, ये सब गांधी जी ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि सारे जगह गांधी जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और गांधी जी ने अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम दिया कि यदि 7 दिन के अंदर, 1 फरवरी 1922 को अल्टीमेटम गांधी जी ने दिया कि ये 7 दिन के अंदर हमारे राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा जाता तो सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो 1930 में प्रारंभ हुआ। लेकिन उसको गांधी जी ने कहा था मैं 7 दिन के अंदर प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है, वो घटना थी चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे गांधी जी के अनुयायी जुलूस लेके जा रहे थे, तभी एक थाने में 21 सिपाही जो वहाँ इनके जुलूस को रोकने का प्रयास किया, जुलूस के लोगों ने उस थाने को जला दिया, जिसमें 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस सिपाही की मृत्यु के बाद गांधी जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने एक कांग्रेस की समिति की बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चोरी चोरा कांड का स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे पूरा देश में एक आक्रोश की लहर हो गई कि इतना ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, लग रहा था देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उसमें गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। इससे पूरे राजनेताओं में एक गुस्सा की लहर दौड़ गई। गांधी जी के प्रति भी लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे कि ऐसा आपने क्यों किया, एक छोटे से जगह की घटना को लेकर आपने पूरे देश के आंदोलन को समाप्त कर दिया। कि गांधी जी चूँकि अपने अहिंसा के लिए जाने जाते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि हिंसा हुआ तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का अगला आंदोलन प्रमुख था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था सरकार का सहयोग नहीं करना है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ, उसने सीधा सीधा गांधी जी ने कहा था कि सरकार की आज्ञा का अवज्ञा करना है, जो सारे कानून है उसको हमें तोड़ना है, जो गलत कानून, इसमें नमक कानून जो प्रमुख कानून था, नमक कानून, उसको तोड़ने की बात की गई। गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक जो 141 मील था 24 दिन में पूरी करके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये पैदल मार्च करके दांडी, जो कि समुद्र के किनारे नवसारी जिला गुजरात में है, वहाँ पहुँच के नमक बना के ये नमक कानून को तोड़ा। उस समय नमक कोई बना नहीं सकता था, पहली बार गांधी जी इस नमक कानून को तोड़ा। फिर पूरे देश में आंदोलन फैल गया, सारे देश में लोग सरकारी जो पद मिले थे त्याग पत्र देने लगे, लोग अपना निपटारा न्यायालय में न करके गाँव में करने लगे। ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त चला, फिर धीरे धीरे ये आंदोलन भी 1934 आते आते समाप्त हो गया, शिथिल पड़ गया। गांधी जी का जो अगला प्रमुख आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में प्रारंभ हुआ। 1942 में गांधी जी ने असहयोग वो सब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि अब हमें करो या मरो, करना है या तो आज़ादी के लिए करते करते हमें मर जाना है। तो गांधी जी ने पहली बार इसमें थोड़ी हिंसा की बात की। लोगों ने कहा गांधी जी पहली बार कहा कि करो या करते करते मर जाओ, यानी हिंसा का रूप ग्रहण करें, खुद हिंसा नहीं करना, लेकिन यदि आपकी ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रयास में आपको मर भी जाना पड़े तो मर जाइए। इस ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुआ और 8 अगस्त को से ही जैसे ही अंग्रेज को प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को कैद कर लिया गया, सारे बड़े बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। उस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए और उन्होंने गुप्त रूप से हर शहर जा जाकर, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सारे नेता जेल में थे फिर भी आंदोलन अपने चरम पर था। सारे जगह भारत छोड़ो का नारा चल रहा था। रेडियो में हमारी एक उषा मेहता थी जो महिला कार्यकर्ता थी, क्रांतिकारी थी,
उन्होंने रेडियो में प्रसारण करती थी, और हजारीबाग से भागे जय प्रकाश नारायण, इस तरह और नेता जो थे जो भूमिगत होकर इस आंदोलन को अपने चरम पर पहुंचा रहे थे। इस आंदोलन में अनेक रियासत स्वतंत्र हो गई थी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार महात्मा गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था जो अंग्रेजों के लिए एक आखिरी कील, ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इसके बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारत में अब ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को अंततः आज़ादी देनी पड़ी, भारत को आज़ादी देनी पड़ी और भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी, ये तो रहा फैक्ट की बात, जो मैंने भी कहीं से पढ़ा है उसको मैंने आपसे बताया। अब मैं अपने विचार एक मिनट में रखना चाहूँगा। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे अद्भुत प्राणी थे जिससे हम कुछ उनके विचार सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी बुराई वही करता है जो उनके बारे में कम जानता है। महात्मा गांधी इतने सक्षम परिवार के होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो चाहते तो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते थे, राजनीतिक पद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना। इस प्रकार हम महात्मा गांधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जिसको आज विश्वास लोग नहीं करते भी थे। तो ऐसा भी व्यक्ति कोई था जो महात्मा गांधी जैसे विचार रखता था? आज फिर आज के समाज में हमें महात्मा गांधी जी के विचारों को पुनः जीवित करना पड़ेगा, हम उनकी विचारों पे चलना पड़ेगा, तभी इस देश का और हमारा कल्याण हो सकता है। थैंक यू।